गुड आफ्टरनून फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल बाजार के कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस स्टॉक, ऑलवेज एवरी वन नो दैट आरती ड्रग्स लिमिटेड। तो मैंने ठीक किया कि आरती ड्रग्स लिमिटेड जो आजकल जो होलसेल हो रहा है उसके सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के पास लेके आऊँ। आखिर क्यों लोअर सर्किट लगा, फिर कब अपर सर्किट लगेगा, बहुत सारे ऐसे प्रश्न मन में आ चुके हैं जो जवाब किसी के पास शायद ही ना हो, क्योंकि मार्केट है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, चलिए देखते हैं। अगले दो दिन जो सेशन होगा उसके बारे में बात करूँगा मैं कि अगले दो दिन का रणनीति क्या होगी, क्या कल भी लोअर सर्किट लगेगा, इसके बारे में बात करूँगा मैं। तो आज देख सकते हैं स्टॉक में जो ऊपर में थोड़ा काफ़ी अप एंड डाउन था और लास्ट में जाकर ऑलमोस्ट लोअर पे जाके क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट सेलिंग क्वांटिटी बात करें 1,28,000 के आसपास है। बाइंग का तो कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है मेरे को अभी तक। और ओपन थे जो पीवीएस क्लोज था 3226 थी, उसके बाद से 300 रुपये डिस्काउंट दिख रहा है और हाई था उसके बाद। देखिए आप 3225 हाई देखिए और लो देखिए इसके बाद। तो जो इम्पोर्टेंट बात है उसके बारे में बात करूँगा मैं, कल क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, फिर कब आपस सर्किट लगेगा। और तो पहले ही बोल दूँ मैं, ऐसा कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया है जो स्टॉक को नीचे गिरा दे। ये तो सब प्रॉफिट बुकिंग का चल रहा है अब तक, जो लोग भी लग रहा है प्रॉफिट बुक के निकल रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा आप लोग होल्ड कीजिए भाई, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, क्यों प्रॉफिट बुक के निकल जाओगे आप लोग। जब आपस सर्किट दे रहा है तब सर वो कितने दूर जाएगा नहीं जाएगा, तब तो कोई नहीं प्रॉफिट बुक किया। अब जब लोअर सर्किट लग रहा है तब प्रॉफिट बुक कर शुरू हुआ है। तो आपको यही बोलूँगा मैं, आप लोग को लॉस में बिल्कुल नहीं सेल करना है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन की बात कीजिए, इंफॉर्मेशन देख सकते हैं आप लोग, ऐसा कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं आया है। देखिए आप शेयर होल्डिंग मीटिंग था आज, आरती ड्रग्स लिमिटेड इन्फॉर्म द एक्सचेंज रिगार्डिंग प्रोसीजिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। हाँ, एक मीटिंग का डेट आना है, अभी कोई वैसे डेट ही नहीं आया है। और बोनस की डेट है तो बोनस ऑलमोस्ट 20 आवर्स डिक्लेयर हो चुका है। और की बात की जाए और देख सकते हैं आप लोग, रिकॉर्ड डेट का भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। कोई भी बोल नहीं सकता कब आएगा नहीं आएगा, हो सकता है अगले वीक आ सकता है। तो मैं यही कहूँगा जो लोग ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं लोग होल्ड कीजिए या एवरेज बाई कीजिए। ये है दोस्तों, अब नीचे जाएगा तो नीचे के ज़्यादा से ज़्यादा लेवल देख सकते हैं आप लोग 2300 और 2500 के बीच। 2500 से ये स्टॉक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर माइनस पर चल चुका है, ठीक है। कभी भी आप सर्किट देख सकते हैं आप लोग, तो 2500 टू 2400 का ये सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ये बड़ा सपोर्ट है। इस पे जाके शायद स्टॉक बाउंस बैक दे सकता है आप लोग के लिए। तो कल के दिन महत्वपूर्ण रहेगा स्टॉक के लिए। और डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें 37.1% का, ऑलमोस्ट 38% का डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिल रहा है। स्टॉक में कोई खराबी नहीं है। और देखे जाए वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम देख सकते हैं आप लोग, ऑलमोस्ट आज थोड़ा वॉल्यूम को कम देखने को मिल रहा था, क्योंकि आज स्टॉक पर सेलर साबित थे जहाँ बायर के क्वांटिटी को कमी थे, ये मान सकते हैं आप लोग। और स्टॉक की टेक्निकल चार्ट देखिए तो टेक्निकल की जो सामारी दिखा रहा है अभी 1 आवर की तो स्ट्रॉन्ग बाइंग के देखने मिल रहा है, इससे मत देखिए आप लोग। और चार्ट जो देखिए जो ऑलमोस्ट आज का जो क्लोजिंग देखने में ऑलमोस्ट नेगेटिव जो क्लोजिंग दिया है, ये देखिए ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आपको बताऊँगा मैं जो चार्ट का देख सकते हैं आप लोग, ऑलमोस्ट जो कैंडिकल जो दिया है वो नेगेटिव का क्लोजिंग दिया है, ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ कोई उम्मीद ही नहीं बनता है। और जो पीवोट का सपोर्ट बन चुका है आप स्टॉक का 3000 का पीवोट लेवल बन चुका है। और नीचे की तरह सपोर्ट की काम करेगा आप लोग को 2950 देन 2850, इसको ध्यान में रखिएगा। और ऊपर की तरफ जो लेवल आ रहा है उसके बारे में बात करूँगा मैं। तो मैं यही कहूँगा जो लोग ऊपर के लेवल फंसे हुए हैं वो तो शायद भैया होल्ड कीजिए आप लोग, आप लोग को लॉस में बिल्कुल नहीं सेल करना है। स्टॉक जब भागेगा ना तो आप लोग रोक नहीं पाओगे इसको, ये मैं कह सकूँगा। स्टॉक में थोड़ा क्योंकि करेक्शन की वजह वही है कि स्टॉक बहुत दिन से ज़्यादा भाग रहा था, तो अंत में जाकर उसको तो रुकना ही था। अब जब रुकेगा तो थोड़ा बहुत तो करेक्शन आएगा। अब इसके बाद जो छलांग लगाएगा उसको आप सोच नहीं सकोगे कि स्टॉक कहाँ तक जाएगा, 4000 साढ़े 4000 5000 वहीं पर जाकर रुकेगा। अब ये मिन्नत मान लीजिए। अब इंडिकेटर बात कीजिए, देखिए स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सेल बन चुका है, स्टॉक में मोमेंटम स्टॉल दे रहा है, जहाँ सेलिंग है बाइंग है 6 है, जहाँ सेलिंग 6 है, ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। तो
स्ट्रॉन्ग में सेलिंग की बन चुका है, और 2.5 की बात की जा रही से अभी भी सेलिंग का पोजीशन दे रहा है। स्टॉच स्टोचरी ओवरबोर्ड है, विलियम पार्सिटी सेल का सिग्नल दे रहा है, आरओसीएल भी सेल सिग्नल दे रहा है, एमएससीडी ऑल्सो बाइंग का सिग्नल दे रहा है, एमएससीडी सब सिर्फ बाई दे रहा है, बाकी सब सारे इंडिकेटर सेलिंग का पोजीशन बनाया हुआ है। तो मैं कल के दिन महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि कल ही इसमें शायद आप सके लगे, फिर कल लोड सके लगे। अगर फ्राइडे की बात की जाए फ्राइडे में ज़रूर इसमें आप सके लग सकता है। जी दोस्तों, कल अगर करेक्शन दे दिया तो फ्राइडे को आप मान लीजिए आप सके लगेगा, यह आप देख सकते हैं आप लोग। अब ऊपर बेसिक चार्ट देखे तो बेसिक चार्ट ऑलमोस्ट ओपन होता है, करेक्शन हो जाता है, फाइलट चलता है। अब बात करते हैं सपोर्ट रजिस्ट्रेशन की, बात कर रहे हैं कहाँ पर बाई की जाए, कहाँ पर सेल की जाए, तो उसके बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हैं सपोर्ट की तरह से पिवोट का लेवल तो पहले 290 का लेवल है। आप चाहे तो इसमें इंटर सेल भी कर सकते हैं, अगर स्टॉक इसके लेवल नीचे जाता तो आप इससे सेल कर दीजिए, उसमें भी आप कमाई कर सकते हैं इंटर में भी। अगर होल्डिंग की बात की जाए होल्डिंग ऊपर 3000 देन 3150 देन 330, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और कल की बात की जाए आपको ये लेवल ध्यान रखना है, अगर स्टॉक इसके नीचे चला जाता है तो आप लोग देख लीजिए ये लेवल आपको सारे सारे देखने को मिलेंगे। तो मैं भाई यही कहूँगा जो लोग फंसे हुए हैं वो तो अभी सेल ना ही करते तो अच्छा है, क्योंकि आपको बहुत लॉस हो रहा है भाई, लॉस में तो बिल्कुल सेल ही नहीं करना है। आप लोग कुछ दिन और होल्ड कीजिए, इतने दिन होल्ड किया और कुछ दिन होल्ड नहीं कर सकते आप लोग, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वीक तो, देखिए नेक्स्ट वीक तो ज़रूर तो इसमें लाभ सक लगना है। स्टॉक काफ़ी अच्छा स्टॉक है और इस लेवल पर जो लोग न्यू बाई करना चाहता है बाई कर सकते हैं, कोई ख़राबी नहीं है स्टॉक के लिए। मैं तो यही कहूँगा भाई आप लोग चाहे तो होल्ड कीजिए, मैं तो इसको मैंने भी इसको 2000 लेवल पर जब था, मेरे इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो अभी बना हुआ है स्टॉक पे, देख सकते हैं आप इसके प्लेलिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं आप लोग वहाँ पे। तो स्टॉक ऑलमोस्ट साढ़े सारे जितने लेवल बताते वो लोग हिट हुआ है, अभी भी इसमें हिट होने वाला है। मैं तो यही कहूँगा आप लोग होल्ड कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।